देख क्या है ये कमल का क, कमल का कल बीच में डंडी दो ना, डंडी तो आ जाएगी ना। अरे कल कौन है रे दरवाजे के पीछे, अंदर आ जा, मुंह दिखाता है या मैं उठूं? हाँ बाबूजी, मैं हूँ नामदेव। नामदेव? अरे तू तो शर्मा क्यों रहा है रे? कुछ नहीं जी, ऐसी। अरे ऐसे थोड़ी आएगा तू, कैसी है बसंती की तबीयत? अरे उसके तो पाव भारी हो गए हैं। अचार खाने को मन करता है उसका, उसे तो चार कदम चलते ही चक्कर आ जाता है। अच्छा तो कुछ दवाई दी उसे? उस दिन अपने गांव के वैद्य ने कुछ दवाई खिलाई और फिर बोले मेरे से नहीं होगा, इसको परिंचे के डॉक्टर के पास ले जाना। वहां नहीं डॉक्टर नहीं आई, मगर वो थोड़ी चल सकती है इतने दूर। मगर पैदल क्यों ले जाओगे, बस में नहीं जा सकते? वो बस में नहीं जा सकती, वो उल्टी करती है। तो क्या मरवाओगे उसे? नहीं। गांव के आदमी लोग पतलून पहनने लगे, रेड़ो भी आ गया किसी किसी के पास, मगर गांव में अभी तक डागदरनी नहीं आई। अरे इसका मतलब ऐसा हुआ कि गांव के लोगों की सेहत इतनी अच्छी है कि डागदरनी की जरूरत ही नहीं है। मजाक नहीं चाची, गांव में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो बसंती आजकल काम पे नहीं जाती? नहीं, कैसी जाती, मतलब जब तक हाथ पाँव उठा सकती थी जाती थी, अब बिस्तर पे लेटी पड़ी है। दो दिन से मजूरी पे मैं भी नहीं गया, उसको अकेला छोड़ के कैसे जाओ? अरे फिर खाएगा क्या? अब तो आप लोग रस्सी भी नहीं खरीदते हो, नल जो आ गए है गांव में, अब कुएं से पानी कौन खींचेगा? अब तो सब लोग नायलॉन वाली रस्सी खरीदते हैं, अपने तो खेती बाड़ी भी नहीं है, क्या करें, क्या खिलाए बीवी को? अपना गांव छोड़ के शहर जाने को मन भी नहीं करता। हमारे होते हुए इतने उदास क्यों होते हो? एक रस्सी का बंडल मुझे दे दो, कितने पैसे देने के बोल? वजह मैं आपको पैसे बता दूं, जो जीने आए दे दीजिए। अच्छा यूं कर, एक बंडल मेरे लिए भी रख दे, अभी तक गाय बैल नहीं बेचे हमने, और वो प्लास्टिक का धागा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और नहीं तो क्या, तो एक खरीद ले ना, एक बंडल। अरे बुआ जी बोलती है तो मेरे लिए भी रखो। तू चिंता मत कर, जितनी भी रस्सी तेरे पास है यहाँ रख दे, दो चार दिन में पैसे चुका देंगे, है ना? समझ में नहीं आता आपको कितनी दुआ दूं। अच्छा बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, अगर कुछ शर्म बाकी है ना तो बसंती के लिए दारू पीना छोड़ दे। जी जी हाँ जी। धर्म तो कर लिया, अब इस रस्सी से सीधा सड़क पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो इतनी रस्सी का करेंगे क्या? लेकिन भूल तो हो गई। नामदेव घर में हो या नहीं? जी वो बाहर गए हैं। बसंती तो क्या तुम अकेली हो घर में? जी। अरे नहीं बस बस बस, लेटी रहना लेटी रहना, उठना नहीं। क्या चेहरा बना रही है अपना? ये हम तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज और अचार ले आए हैं। मगर ये नामदेव कहाँ गया है? जी वो डॉक्टरनी के यहाँ गए हैं। सुबह से तुमने कुछ खाया या नहीं? जी ही नहीं करता, सुबह से चावल पड़े हैं, उन्होंने उबाल कर रखे थे। और दवाई? दवाई तो रोज लेती हूँ, सुबह सुबह उठ के पहले दवाई लेती हूँ, वो डॉक्टर जी ने लिख के दी थी ना। अच्छा है तेरा वो कागज तेरे पास? वो चूल्हे के ऊपर के कोने में होगा शायद। देखिए तो ये दवाई दिन में 3 बार और ये गोली एक बार। दीदी ये दवाई 3 बार और ये गोली 1 बार। हाँ।
इन्होंने तो कल उल्टा कर दिया था, दवाई एक ही बार पिला दी और गोली दिन में 3 बार खिलाई। अरे ऐसे क्यों किया, उस पर तो साफ लिखा है। हाँ मगर कोई पढ़ सके तो ना, बोले मुझे पक्का याद है। ऐसा कभी याद रहता है भला? ऐसी गलत दवा लेने से ही तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई। उस दिन तो वो देवा भैया दवाई ले आए थे, इनसे बोले चिट्ठी ठीक तरह से पढ़ लेना, इन्होंने कह दिया हाँ, अब इनको तो पढ़ना नहीं आता, झूठ मूठ का हाँ कह दिया। अनपढ़ कहलाए जाने पर शर्म जो आती होगी उसे, अब तुम ठीक हो जाओगी तो खुद ही हमारी सहकारी मंडली में आना और पढ़ना लिखना सीखना, समझी? अब मैं इस उम्र में सीख के क्या करूंगी, मास्टर ने थोड़ी बनना है मुझे। अब क्या बताए तुझे? चल चल अभी ज्यादा बहस मत कर, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और सुन, वो चावल और अचार रखा हुआ है, खा लेना, और गोली सिर्फ एक बार ही खाना, समझी? और सासू जी ने कहा है कुछ अनाज वनाज की जरूरत पड़े सामने को भेज दे, भूखी मत रह। अब आपकी दया से तो हम जी रहे हैं यहाँ। नहीं नहीं, दया की क्या बात है। अच्छा बुआ जी, मेरी भाई, मेरी भाई, बुआ जी। अरे क्या हुआ नामदेव, आदमियों को रो रहा है। हाँ कुछ तो बोल, क्या बसंती परलोक सिधर गई क्या? अच्छा अच्छा परलोक सिधर गई, क्या बोल रहा है तू? क्या अब और तू यहाँ चला आया? आप बैठे, हम देखते हैं, चलो जल्दी आकर बताओ ना। जाने माता, दया रे दया, ये तो जिंदा है। जिंदा है? नामदेव भाग, यहाँ देव पापा को बोलना बैलगाड़ी लेकर आए। हाँ परिंचे के दवाखाने ले जाएंगे उसे। अरे सरन जल्दी से भाग के जा, वो लोग चिंता में बैठी होंगी, उनसे कहना बसंत की अभी जिंदा है, हम इसे लेकर परिंचे के दवाखाने पे आ रहे हैं, अभी जा। हाँ नीचे पत्थर है। डॉक्टर ने जी बच तो जाएगी ना? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, खतरे से बाहर है अब, आओ। हाँ तो नानी बहू, इस बार तुम लोग ठीक से याद रखना, दवाई दिन में 3 बार और गोली शाम को वापस ले जा सकते हो उसे। ये तो रोने ही लगा, कहने लगा मर गई बसंती। एक तो तुमने दवाई ठीक से नहीं दी, और इसे समय पर अगर नहीं ले आते यहाँ तो कितनी मुश्किल हो जाती पता है तुम्हें? तुम्हें अपनी बीवी की इतनी भी परवाह नहीं है? ये बात नहीं डॉक्टर नहीं साहब, आपने जो दवाई लिखकर दी थी ना, ये पढ़ ही नहीं पाया। क्यों रे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि दवाई लिखकर ही दे देना? शर्म आई ना? अनपढ़ कहलाने में शर्म आती है ना, तो पढ़ना लिखना सीख क्यों नहीं लेते? जरा सोचो तो, ये इतने सारे संदेह से सरकार किसके लिए लिखती है? क्या इस उम्र में बच्चों जैसा स्कूल में जाके पढ़ू क्या मैं? स्कूल जाने की क्या जरूरत है, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से सीख लेना। हमने दीदी से सीखे, अब हम एक दूसरे को सिखाते जो है। तुम हमारे कथरी अड्डे पे आ जाना,
अब तो सासू जी भी तुम्हें सिखा देगी। देखो वैसे हाल ही में तुम्हारे गांव के पाटिल जी मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे बताया था कि आप पंचायत की तरफ से जिला परिषद को एक अर्जी क्यों नहीं दे देते कि हमारे गांव को डॉक्टर की जरूरत है, कम से कम हफ्ते में वो एक बार भी आ जाए तो भी लोगों को कितनी सुविधा हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हम पाटिल जी को याद दिला देंगे। हाँ। तुम नई पीढ़ी की औरतें बहुत नाजुक हो, हमारी पाटलिन को देखो, इतने वर्षों में कभी किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी? गांव में अब भी बच्चे घरों में ही पैदा होते हैं। पर हां, अनुसुईया चाची भी अब बूढ़ी हो गई है, बोलती है जच्चापन करते समय अब उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे दिखाई भी कम देता है, मगर उसका काम करने वाली एक भी जवान औरत नहीं है गांव में। आप याद करके देख लीजिएगा पाटिल जी, अब हम बोलेंगी तो कहेंगे छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर पिछले 5 सालों में 3-4 बच्चे तो गुजर गए हमारे इस गांव में। कोई सांप काटने से मर गया तो किसी को दवाई के लिए शहर जाना पड़ा। अब हमारी बहु बेटियां पढ़ लिख कर हमें ही ज्ञान सिखाने चली हैं, क्यों कान भाई? ऐसी बात नहीं है जीवन चाचा। देखो तुम ये मरने वालों की गिनती मत करो, जीवन रेखा तो वहां ऊपर बनती है, अगर भगवान ने पक्की रेखा बनाई हो तो यहां धरती पर उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्यों पाटिल जी? बिल्कुल ठीक कहा जीवन चाचा, तुम लड़कियां तो समझ नहीं पाओगी। क्यों ज्ञानबा, याद है परिचय में जब वो आरोग्य केंद्र आया था? बिल्कुल याद है, उस वक्त हमने सरकार से कहा कि हमारे गांव में आरोग्य केंद्र खोलो, तो उस गांव के लोगों का हाथ हमसे भी ऊंचे हो गए और आरोग्य केंद्र वहां चला गया। परिचय में नाथा पाटिल की बीवी उसके लड़के की शादी में शान दिखा रही थी, पाटलन से बोली कि आजकल अगर जरा सी चींटी भी काट ले तो हम तो दवा खाने चले जाते हैं। अरे भाई, जिसकी प्रजा दुबली हो उसको जरूरत पड़ती होगी दवा खाने की। सरकार हमारे पीछे भी पड़ी थी, पर हमारे गांव के लोग दुबले नहीं है ये सोचकर हमने ना कर दी, तो इतना सा मुंह लेकर चली गई। पर अब अगर हमने दवा खाने का नाम निकाला तो हमारी नाक नहीं कट जाएगी। पाटिल जी, बड़ों की बात रहने दीजिए, उनकी सेहत की इतनी चिंता नहीं, मगर छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचिए आप। हाँ, वो जुबेदा चाची का पोता, वो रजाक भैया का लड़का, उसे जब दस्त हो गया था तब याद है ना, उन नाटक वालों को डॉक्टर बुलाने में कैसी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। वो तो परमेश्वरी दीदी ने बच्चे को समय पर संजीवनी पानी पिला दिया तो हाथ लगा, वरना मुश्किल था। क्यों? देखो तुम जवान औरतों को ये अगर मगर की कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है भाई, एक दफे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर वक्त ऐसे ही होता, ऐसे थोड़ी है। क्यों जी? तुम लोग तो बारिश में पानी आएगा सोचकर 12 महीने रात दिन छाता लेकर बैठोगे। सही भरवाया। और लक्ष्मी बहू, ये डॉक्टर के गांव में आने की बात तो तुम अपने दिमाग से ही निकाल दो, अरे डॉक्टर के बार बार गांव में आ जाने से बीमारी भी उसके पीछे पीछे गांव में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्यों जीवन भाई? बिल्कुल, देखो ये बीमारी का डर तुम दिल से निकाल ही दो भाई, बगैर डॉक्टर के ये गांव 100-100 साल से जी रहा है और आगे जिंदा रहेगा, क्यों? जा रहा हूं। खाना खा के जाइए, आने के बाद खाऊंगा, पैसे दे मुझे। आप आधी रात के बाद घर लौटेंगे और चाहेंगे आपके सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ी रहूं, आपको गर्मा गर्म खाना परोसूं, मुझे और बहुत काम है, आप खाना खा के जाइए।
अरे मुझे सुनाते हो तू? नहीं क्या समझते हैं अपने आपको? नहीं, मैं और मारपीट नहीं सहलूंगी अब। देखिए अगर आपकी बात सही है तो आप मुझे समझा दीजिए ना। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ ऐसे बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। मनुष्य मनुष्य औरत मनुष्य बीवी मनुष्य। हाँ मैं औरत मनुष्य, औरत भी मनुष्य होती है। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, जल्दी चलो भाभी, जल्दी चलो। क्यों आनंद, बसंती को फिर से कोई दौरा पड़ गया? नहीं नहीं जी, बसंती बसंती ठीक है। अपने वो दिया बापा है ना, उनकी लड़की को बच्चा होने वाला है। तो मैं क्या करूं? अम्मा कहती है बच्चा टेढ़ा आया है, उसको डॉक्टरनी की जरूरत है, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों भी मर जाएंगे जी। दर्द के मारे उस लड़के ने सारी बस्ती सिर पे उठा के लिए। भाभी जल्दी चलो, भाभी जल्दी चलो। हे नामदेव, वो देवा की लड़की बीमार है तो क्या मेरे औरत ने सब गांव का भला करने का ठेका ले रखा है? नामदेव क्या हुआ? वो देवा बापा की लड़की का बच्चा टेढ़ा आ गया है, अगर उसको जल्दी डॉक्टरनी के पास लेके नहीं गए तो मर जाएगी बोलता है। अरे तू देखती क्या खड़ी है, जा जल्दी जा। माँ तुम भी? हाँ मैं जाती हूँ, तू नानी बहू को लेके आ। भाभी जी बैलगाड़ी नहीं है बापा की, देवा बापा की, तालुका गई है। ठीक है जल्दी जा। अच्छा चल 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 जल्दी चलो। नानी बहू, कल हम अर्जी पहुंचाएंगे कचहरी में नागदरनी के लिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। साहब हुजूर की चरणों में मांडर के लोगों की विनती है, कृपा करके हमारे गांव हफ्ते में कम से कम एक बार डॉक्टरनी साहिबा के आने का इंतजाम कीजिए। इससे गांव वालों को बड़ी सुविधा होगी, बीमारी का पता जल्दी लगने से बाद में भाग दौड़ नहीं करनी होगी। गांव की औरतों को और बच्चों को जो परेशानी होती है वो सरकार जानती है, डॉक्टरनी साहिबा भी सब हालत जानती है, उन्हें आने में ऐतराजी नहीं है। तो हमारी अर्जी पर साहब हुजूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ऐसी आशा है। ले लिख अपना नाम, कहाँ करना है? ये मेरा नाम है सरस्वती यादव। क्या अंगूठा लगाएगी? मुझे तो शर्म आती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मी बहू से कहा ना ना कर। अच्छा शर्म आती है तो फिर पढ़ना लिखना सीखो ना। हाँ इस उम्र में, इस उम्र की जवान है, जवान है, देखो ना तू करना। लो नाम तो याद है ना। हाँ तुम औरतों का दिमाग ही उल्टा होता है। बहू को आज एकाएक दर्द कैसे शुरू हो गया? एकाएक कहाँ जी, चार पांच दिनों से चल रहा है। और तुम मुझे आज बता रही हो पाटलन भी घर में नहीं है? यही तो बात हुई ना, आपसे बोलने में शर्मा रही थी, उसे लगा उसका मर्द आएगा और ले जाएगा उसे डॉक्टरनी के पास। वो नहीं जानती कोर्ट का मामला है, तीन चार दिन लग सकते हैं। उस वक्त जब गाँव की औरतों ने हर हफ्ते डॉक्टरनी बुलाने के लिए अर्जी दी थी तब तो आपने विरोध किया। आप तो और गुस्सा न दिला पाटिल जी को। पाटलन भी घर में नहीं है, बेहोश पड़ी है या नींद लगी है? आप कैसी बात करते हैं, नींद लगी है। सुबह होते ही अपनी मोटरसाइकिल निकाल और जाके डॉक्टरनी को पीछे बिठा के ले आ। हाँ ले आऊंगा। हाँ अब थोड़ी देर बाद छोटा सरकार निकलेगा, मोटरसाइकिल निकालेगा,
उसमें पेट्रोल भरवा के परिंचे जाकर उस पर डॉक्टरनी को बिठाकर ले आएगा। वैसे डॉक्टरनी गांव में आए तो ठीक ही होगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो चलेगा। अब हमारा बूढ़ा सारी रात खास खास कर घर को परेशान कर देता है, अब उसको रात को मैं कहां उठाकर ले जाऊं परिंचे। अब गांव में डॉक्टरनी आ जाए तो घर बैठे दवाइयां मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, हमारे जेब से जाने वाला बस का भाड़ा भी बच जाएगा। अरे कितना बढ़ रहा है भाड़ा इन दिनों, हद हो गई है। सबसे अहम बात तो आपके ध्यान में आई ही नहीं। कौन से? डॉक्टरनी इतनी सी लड़की है, उसका यहां आना उचित है या हमारा वहां जाना? वो छोटी है, हम बड़े हैं। ये तो बिल्कुल सही और साफ बात है। मतलब अब अर्जी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम तो उसे यहां आने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक कहा ना मैंने? पाटिल जी, डॉक्टरनी साहिब आई है। नमस्ते। आइए नमस्ते। हाँ तो आपके अर्जी के अनुसार मैं हफ्ते में एक बार आपके गांव आऊंगी। अर्जी? जी हाँ, ये अर्जी तो बिल्कुल सही है, मगर इस पर पंचायत की मुहर नहीं लगी, बस वो मुहर लगानी पड़ेगी। मैंने सोचा इतनी सी अधिकृत कार्रवाई के लिए रुकने की क्या जरूरत है, बस आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पाटिल जी के घर से ही काम शुरू कर देते हैं, क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ अरे पर ये अर्जी लिखी किसने? हमारी किस्मत सब बदलेगी, हमारी हिम्मत, हमारी मर्जी, हमारी अर्जी पहुंचा देता काला अक्षर, मरद भी माने काला अक्षर। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर मेरी जिंदगी भैंस बराबर